तुम डायरेक्ट ऑर्डर्स को नजरअंदाज करते हुए खिड़की तोड़कर अंदर घुसे क्योंकि तुमको बच्ची की चिल्लाने की आवाज आई। अंदर जब किडनैपर्स ने तुम्हें देखा तो उन्होंने तुम पर गोलियां चलाई और फिर तुमने उन पर गोलियां बरसाई। Am I right so far? रिपोर्ट में यही लिखा है ना, तो यही होगा ना सर। पर फोरेंसिक के हिसाब से कुछ और हुआ था क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है कि लड़की के मुंह पर टेकिफाइंग रेजिंस के ट्रेसेस, ऑयल और एंटीऑक्सीडेंट्स मिले थे। ये तीनों चीजें डक्ट टेप में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब लड़की के मुंह पे टेप लगा हुआ था। फिर तुमने लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी कैसे? शायद टेप को सही से लगाया नहीं होगा सर, या फिर उसने दांत से काट के या किसी और तरीके से टेप को खोल दिया होगा सर। और तुम इत्तेफाकन उसी वक्त वहां पहुंच गए। सर उस 14 साल की बच्ची ने बहुत झेला है, अब वापस उसे डिटेल्स पूछकर और ट्रॉमेटाइज मत कीजिए सर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं भी वही करता। उनको ऐसे ही मानना चाहिए था। तो बस फिर सच बोल दो, फिर मैं इस मामले को रफा दफा कर दूंगा। सर आप मेरी मदद करना चाहते हैं? हाँ, मेरी मदद करोगे सर आप? यस। यहाँ पे चूतिया लिखा है ना। वेरी फनी। अभी तक तो नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब मैं थोड़ा सा वो काम कर लूं जिसके लिए मैं सैलरी लेता हूं। मैं भी वही काम कर रहा हूं जो पुलिस करती है, तो चुपचाप कोऑपरेट करो। विकर, विकर, विकर। मुझे समझ में नहीं आता यहां बॉस कौन है। तुम्हारे जूनियर्स तक तुम्हारी बात नहीं सुनते। अगर ये बात डीसीपी की रिपोर्ट में जाएगी तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ,